में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए जहां सरकार अलर्ट है और सरकार जनता से लॉकडाउन का समर्थन कर घर में रहकर कोरोना को हारने की अपील कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खखरेडू कस्बे में मुर्गी फार्म हाउस में घाटा लगने के बाद मुर्गी फार्म मालिक ने 10,000 मुर्गों को भीड़ लगाकर बांट डाला, जहां सैकड़ों बच्चों के साथ पहुंचकर मुर्गों की लूट में लगे रहे। वहीं मुर्गी फार्म हाउस के मालिक ने बताया कि लगभग 10 लाख का नुकसान लग जाने के बाद मुर्गों का दाना नहीं खिला पा रहे थे, जिसके लिए गांव वालों को मुर्गों को निःशुल्क दे दिया गया, जबकि सरकार ने भीड़ न लगाने का निर्देश दिया, लेकिन भीड़ लगाकर लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। फतेहपुर से संवाददाता बबलू सिंह की रिपोर्ट। चलते हमारा लगभग 10 लाख का नुकसान हो चुका है और इसलिए हमने अपनी सारी 10,000 मुर्गियां पब्लिक में बांट दी। इसकी वजह ये थी कि हमारी गाड़ी ना अंडा लेकर जा पा रही थी, ना मुर्गी के कोई कारोबारी या ख़रीदने आ रहे थे, इसलिए हमने अपनी सारी मुर्गियां गांव में एरिया में बांट दी। अब जो बची कुछ ही अगर बढ़ जाएंगे तो ठीक है, नहीं उनको पटवा देंगे, बस यही कारण।